तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को देखने के बाद सबसे पहला इनिशियल ऑब्जर्वेशन है कि ये लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक टाइप का है, ठीक है। तो इसका एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है, हम लीनियर को क्या कर लेते हैं, जो लीनियर हमारा है से एल, लीनियर को एल लिख रहे हैं हम लोग, लीनियर को लिख लेते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ क्वाड्रेटिक, है ना। कुछ मान लीजिए ए टाइम्स डी बाई डी एक्स ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस कॉन्स्टेंट डी, और हमें ए बी निकालना होता है। खैर लीनियर आपका है क्या, एक्स प्लस टू दैट इज इक्वल्स टू ए टाइम्स डी बाई डी एक्स ऑफ क्वाड्रेटिक हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस वन हो गया और प्लस बी हो गया, ये तो ये क्लोज जाएगा प्लस बी हो गया, तो ये क्या आ जाएगा आपका दैट रिटेन एज ए टू एक्स हो जाएगा। तो ये हो जाएगा टू ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस टू। अब हम क्या कर लेंगे, कोफिशियंट कंपेयर कर लेंगे, तो यहाँ से एक्स का कोफिशियंट वन है और उस साइड से आपका एक्स का कोफिशियंट क्या है टू ए है, और यहाँ से कॉन्स्टेंट टर्म टू है और इस साइड से कॉन्स्टेंट टर्म क्या हो गया आपका बी हो गया। तो यहाँ से ए की वैल्यू आ गई आपकी वन बाई टू और ये बी आ गया आपका, साफ साफ दिख रहा है तो पहले ही आ चुका है टू हो गया। तो ये दो वैल्यू आपके पास आ गई, ए की वैल्यू और इस तरह से करने से क्या पता चलता है कि ये क्वेश्चन हमेशा दो पार्ट में स्प्लिट हो जाएगा, है ना। एक पार्ट आ जाएगा आपका, आप इसे इस्तेमाल करोगे, है ना। सपोज ये आपका इक्वेशन नंबर वन हो गया, ये इक्वेशन नंबर टू हो गया, तो इक्वेशन नंबर टू इस्तेमाल करोगे, ये आपका एफ डैश एफ एक्स की पावर एन एफ डैश एक्स जनरेट करेगा, मतलब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन से ये क्वेश्चन हो जाएगा और ये डायरेक्ट फॉर्मूले से हो जाएगा जब इसके साथ आप करोगे। देखिए आप जब करेंगे तो आपको आइडिया लगेगा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग इस लीनियर फैक्टर x प्लस टू को हम लिख देंगे टू ए एक्स प्लस बी टाइप, तो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रल ऑफ टू ए एक्स प्लस बी अपॉन, ए और बी की वैल्यू हम थोड़ी देर बाद रख देते हैं, यहाँ भी रख सकते थे लेकिन हम थोड़ी देर बाद रखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स। अब ये दो इंटीग्रल में ब्रेक हो जाएगा, एक में ए टाइम्स टू एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स हो जाएगा और प्लस दूसरा हो जाएगा बी टाइम्स वन अपॉन स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स। अब ये हम लोग कहेंगे कि से लेट ए टाइम्स यहाँ हो गया आपका आई वन और प्लस बी टाइम्स क्या हो गया आई टू हो गया, वेयर जो I1 हो गया आपका दैट इज इंटीग्रल ऑफ 2x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 dx हो गया। तो साफ साफ दिख रहे हैं कि इसका डेरिवेटिव ऊपर होगा और ये हमेशा होगा जब लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक या रूट क्वाड्रेटिक जो भी फॉर्म हो वहाँ पे लीनियर को इस तरह से आप आइसोलेट करेंगे, इस तरह से आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो एक में डायरेक्ट डेरिवेटिव आएगा, है ना, और दूसरा जो है डायरेक्ट फॉर्मूले से हो जाएगा और ये वर्किंग हमेशा इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए रहेगी। तो यहाँ लेट कर लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल्स टू से टी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा टू एक्स डी एक्स इक्वल्स टू टू टी डी टी। अब ये चीज़ हो क्या जाएगी आपकी दैट इज टू टी डी टी अपॉन टी कैंसिल हो जाएगा, टू डी टी आएगा, टू कॉन्स्टेंट है बाहर रखेंगे हम लोग डी टी हो जाएगा और इसका कितना आ जाएगा आपका 1 dt है तो इसका 2t आ जाएगा प्लस इनडेफिनिट कांस्टेंट से c1। तो ये आपका और t तो आपका क्या है डमी वेरिएबल है तो डमी वेरिएबल टर्म में आंसर देते नहीं है तो t रख देंगे हम लोग यहाँ से स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 प्लस इनडेफिनिट कांस्टेंट c1 हो गया। अब i2 क्या था आपका, तो जो i2 था यहाँ पे है ना वेयर आई वन हमने ये कहा है तो आई टू हम यहाँ से लिख दे रहे हैं, आई टू इज इंटीग्रल ऑफ वन अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स और आई टू आपका क्या आ जाएगा इस डायरेक्ट फॉर्मूला है तो आपका डायरेक्ट इंटीग्रेशन है वन अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से मैच कर रहा है जहाँ ए आपका क्या हो गया वन हो गया तो ये हो जाएगा आपका लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस सी टू हो गया, है ना। अब ये आई वन और आई टू की वैल्यू यहाँ प्लेस कर दीजिए तो यहाँ पे ए की वैल्यू
वन बाई टू, आई वन की वैल्यू ये आ गई आपकी, है ना, बी की वैल्यू टू हो गई और आई टू की वैल्यू वो इंटीग्रल हो गया। ये सारी वैल्यू यहाँ प्लेस कर देंगे, वी गेट द आंसर। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं या ऊपर लिख दे रहे हैं हम वैल्यू प्लेस करके, तो ये हो जाएगा आपका ए टाइम्स, मतलब वन बाई टू टाइम्स आई वन, मतलब टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस सी वन, और प्लस बी टाइम्स, मतलब टू टाइम्स कितना हो जाएगा आपका लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस सी टू। यहाँ से आप देखोगे टू टू कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा आपका अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस हाफ सी वन और प्लस टू टाइम्स लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस टू सी टू, और ये जो आपका हाफ सी वन है और टू सी टू है, दैट इज इसे कंबाइन कर देंगे और ये एक नया कांस्टेंट से सी हो जाएगा। तो एक आर्बिट्री कांस्टेंट हम लोग सी रख देंगे उसकी जगह पे, दैट इज सी, विच इज योर फाइनल आंसर।